हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आलू भुजिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सेव भी बोल सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ मैं बॉयल आलू के साथ ज्वार का आटा लूँगी। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी बन रहा है और क्रंची है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। फ्रेंड, यहाँ मैं पहले से दो आलू को बॉयल करके रखी हूँ और इसको मैं अच्छी तरह घिस लूँगी। घिस लेने से क्या है फ्रेंड, एक भी बड़ा पीस आलू का नहीं चाहिए, इसलिए अच्छी तरह घिस लेंगे। अब इसको भी अच्छे तरह मसल मसल कर भी और भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ज्वार आटा डाल रही हूँ और साथ ही यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही चटपटा होने के लिए चाट मसाला या अमचूर डाल सकते हैं। एक चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ और अच्छी तरह हाथ से मसल मसल के इसको गूंद लेंगे। ध्यान रखें एक भी आलू का बड़ा पीस ना रहे, अगर इनकेस रहता है तो उसको अच्छी तरह मसल मसल कर एक स्टिफ डो के जैसा बनाएंगे। यहाँ पे जो डो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे, थोड़ा स्टिफ रखेंगे। इनकेस अगर लगता है थोड़ा गीला है तो एक दो चम्मच ज्वार का आटा आप डाल सकते हैं। तो ये डो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो ये मुरक्कू मोल्ड है मैं उससे बनाऊँगी। तो इसको मैं पहले खोल लेती हूँ और डिसाइड कर लेती हूँ कि कौन सा होल में ये मुरक्कू को बनाएंगे हम लोग, भुजिया को बनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन है, तो ये मैं थोड़ा जो बड़ा वाला होल है उसको ही लूँगी। तो उससे पहले मैं इसको अच्छी तरह फिट कर लेती हूँ। फिट कर लेने के बाद इसको ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, नहीं तो अंदर जो है आलू चिपक जाएगा। तो मैं ऑयल से इसको ग्रीस कर लेती हूँ। फ्रेंड, यहाँ मैं ना इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको बेक कर रही हूँ। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, सेम चीज़ को आप डीप फ्राई कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ। अब मैं थोड़े थोड़े इसमें जो डो है वो इसमें डाल दूँगी, पूरी अच्छी तरह भर लूँगी, थोड़ा सा गैप छोड़ूँगी। अब मैं जो उसका ऊपर वाली कवर है वो लगा कर इसको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। फ्रेंड, मैं रागी चिप्स ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हैं जो फ्राइड है। ये मैं बेक करके बना रही हूँ। अब बेकिंग ट्रे में भी मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ और इसमें जो डो है उसको मैं घुमा घुमा के अच्छी तरह सेव जो है वो निकाल लेती हूँ। ये निकल गया। मैं पहले से प्री हीट होने के लिए रखी हूँ ओवन को, 200 डिग्री पर प्री हीट करने के लिए रखी हूँ और उस पर ही मैं इसको बेक करूँगी। इसको आप स्टोर करके आराम से 15 दिन तक रख सकते हैं फ्रेंड, एयरटाइट डब्बे में। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दी हूँ। बेक करने के बाद ये देखिए बढ़िया कलर और क्रिस्पी हो गया, लेकिन इसको मैं उलट कर एक बार अच्छी तरह चला कर दूसरी तरफ भी बेक होने के लिए रखूँगी, जिससे कि ये और भी क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये मैं दोनों तरफ से रेडी हो गई और ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी है। आप देख सकते हैं कि इसकी साउंड भी आ रही है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ बाहर। फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना बढ़िया क्रंची की तरह आ रहा है इसका साउंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।